सीएम सिटी के गांव गलियारपुर में प्रेमी जोड़े के गले में जूतों की माला पहनाकर मुंह काला कर घुमाने का वीडियो वायरल होने के मामले में आज महिला आयोग की मेंबर करनाल पहुंची। उन्होंने कहा कि किसी को भी इस तरह के फैसले लेने का कोई हक नहीं है। आपको बता दें कि बीते दिनों करनाल के गांव दलियारपुर का एक वीडियो सामने आया जिसने पुलिस के हाथ पैर फुला दिए, साथ ही समाज में रह रहे लोगों की हकीकत भी दिखाई। कैसे यहां समाज के कुछ लोगों का अपना कानून है, जिस तरह का समाज हमारे देश में पहले कभी एक जमाने में था। यहां कोई गलती करने पर सजा का फरमान लोग आपस में मिलकर सुना देते थे, ऐसा ही कुछ यहां पर हुआ। शादीशुदा महिला और 21 साल के युवक से प्रेम प्रसंग से तंग महिला के पति और उसके परिजनों ने उनका मुंह काला कर जूतों की माला गले में पहनाकर उन्हें पूरे समाज में गांव में बेइज्जत किया, जिसका वीडियो सामने आया। तो पुलिस ने मामले को देखते हुए पीड़ित युवक की शिकायत पर गांव के कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और करीब 7 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। वहीं वीडियो का संज्ञान महिला आयोग हरियाणा ने भी लिया, जिसके बाद हरियाणा महिला आयोग की मेंबर नम्रता गोट करनाल पहुंची और गांव में जाकर सभी को बातचीत कर पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में नम्रता गोट ने बताया कि मामले को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्यवाही की और कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इस तरह के समाज की तस्वीर काफी पहले हमें देखने को मिलती थी, लेकिन आज के समय में इस तरह समाज में इस तरह की तस्वीर समाज के माहौल को तो खराब करती ही है, साथ ही समाज में रह रहे लोगों की हकीकत भी बताती है। नम्रता गौर ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा था। गांव की महिला है और गांव की 21 वर्षीय युवक है। महिला पहले भी युवक के पास गई थी और फिर वापस पति के पास आ गई और फिर चली गई, जिसके बाद परिजनों और उसका पति समझौते के लिए साथ में गांव ले आए, जहां महिला और युवक को लाकर पहले पीटा गया, फिर बाद में परिजनों ने आपस में मिलकर फैसला ले लिया कि इनका मुंह काला करके गले में जूतों की माला पहनाकर समाज के गांव के सामने बेइज्जत किया जाए। कई लोगों ने परिवार की महिलाओं ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। गांव के कुछ लोगों ने गांव का मामला देखते हुए इस पर पूर्व संपर्क के साथ मिलकर बातचीत की, लेकिन महिला का पति नहीं माना और फिर बाद में उन्हें पूरे समाज के सामने बेइज्जत किया गया। नम्रता गौड़ ने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को कोई भी हक नहीं है। गांव और पंचायत की छवि इस मामले की वजह से खराब हुई है और हम कोशिश करेंगे लोगों को समझाने की इस तरह के मामलों में पुलिस को बताया जाए। शादीशुदा होने के बाद महिला का प्रेम प्रसंग युवक से था तो यह गलत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम खुद उन्हें सजा देंगे। मामले में हम नजर बनाए हुए हैं, पीड़ित को पुलिस सुरक्षा दी गई है और कई आरोपी इसमें गिरफ्तार हैं। जो पीड़ित महिला को अपने गांव झारखंड चली गई थी उसे बुलाया गया है और उससे अब बातचीत की जाएगी। एक अखबार की खबर आई और उसके बाद में मैंने स्वयं भी वीडियो देखी थी, जिसके अंदर एक महिला और एक पुरुष का मुंह काला कर जूतों का हार से गले पहनाया हुआ था, उसको घुमा रहे थे और पीछे से शायद कुछ अपशब्द भी बोल रहे थे। तो उसी मामले में हम लोग आए हैं, जो कि मैं कहूँगी कि ये जो बहुत ही जो कार्य हुआ है ये बेहद निंदनीय है। और ये जो इस तरह काम होता था शायद बहुत पहले, जब हमारे समाज के अंदर किसी भी प्रकार की अवेयरनेस नहीं थी, उस वक्त में होता है। जो मुझे जानकारी मिली है वीडियो के माध्यम से, यहाँ आने पर मैंने बातचीत की है कंप्लेनेंट से, तो उसमें 21 साल का लड़का है सुनील, जो कि अनमेरिड है, और जो महिला है वो मैरिड है, उसके दो बेटियां हैं, दो बेटियां शायद उसके पहले थी, उनकी डेथ हो गई। तो वो इसके साथ ही प्रेम प्रसंग का मामला रहा। पहले भी ये जो महिला है इसके साथ गई होगी पहले भी, लेकिन बाद में ये वापस अपने हस्बैंड के पास आ गई होंगी, लेकिन दोबारा से फिर ये महिला जो है इस लड़के के पास जो है चली गई। और पास जाने के बाद इनको कहीं से खबर मिल गई, जैसे शिकायत आपस में हो जाती है, तो शिकायत होने पर ये जो लड़का है ये पानीपत अपने जॉब पर था, तो वहाँ पर ही ये लोग जो जो महिला है उसके पति और उसके देवर वगैरह इसको वहाँ पर लेने चले गए कि पंचायत के अंदर बात करनी है, जो मैंने अभी अभी सबसे बातचीत की है। लेके आने के बाद उसको यहाँ पर उस सब मार पिटाई हुई है, बहुत बुरी तरीके से डंडों से मारा गया। एक कमरा मैं अभी देख के आई हूँ मौका, तो वहाँ पर एक बहुत ही अंधेरा नुमा कमरा था, कोई खिड़की नहीं थी, कुछ नहीं था, और बड़ा ही अनहाइजीनिक रूम था। उसके अंदर जो है इसको रखा गया है, दोनों को ही, लड़का और लड़की को, मारा गया, पीटा गया। और मैंने बाहर भी आकर कुछ महिलाओं से और जो वहाँ पे छोटे थोड़े लोग खड़े थे उनसे मैंने बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि
उसको हमने रोकने की कोशिश की कि भाई मत मारो, उसको वैसे ही छोड़ दो, तलाक दे दो, उसको छोड़ दो, जाने दो, लेकिन इन लोगों ने जाने नहीं दिया। उसकी मारपिटाई की, महिला की भी मारपिटाई की और उस पुरुष की भी मारपिटाई की। अरे काला मुंह करने लगे तब भी हमने कोशिश की रोकने की कि मत करो, ऐसा मत करो, पुलिस को बताओ, लेकिन जो ये व्यक्ति थे नहीं माने और इन्होंने उसका काला मुंह किया और जो भी जूतों का हार वगैरह पहनाया और उसको सारे समाज के अंदर जो है गलियों में घुमाया। और जो एक वीडियो के अंदर मतलब जो एक अहम भूमिका जैसे कहते हैं कि सरपंच की रहती है, कोई भी गाँव का मुखिया होता है उसकी रहती है, तो मुखिया होने के नाते उन्होंने भी चलो हो सकता है कि इस मामले को सॉल्व कराने की कोशिश की हो कि चलो ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए। उन्होंने अपने घर पर इन सबको बुलवा लिया, एक पंचायत रखी, सरपंच था, पूर्व सरपंच था, पूर्व सरपंच, सरपंच तो प्रेजेंट तो अभी कोई है नहीं जो मैंने अभी बताया, तो सरपंच पूर्व सरपंच जो है भी अच्छे वक्त बोले हैं। हाँ मैंने वीडियो में देखा है, मैंने वीडियो में देखा है, जो कि वो भी एक अपने आप में मैं कहूँगी दुखदायी बात ही है, क्योंकि जो एक कार्य पुलिस को इन्फॉर्म करके कराया जा सकता है, हम कानून को अपने हाथ के अंदर लेते हैं और हम इस पूरे समाज के ठेकेदार बन जाते हैं। मतलब एक पंचायत है, कोई भी जो एक व्यक्ति विशेष रहता है जिसको कि समाज के अच्छे कार्य करने चाहिए या परिवारों के अंदर एक संतुलन बनाना चाहिए, समाज के अंदर एक संतुलन बनाना चाहिए, उस संतुलन को बिगाड़ते हुए छवि खराब करनी, मतलब एक होता है इंसान की छवि खराब करनी, एक पंचायत की भी छवि खराब कर दी, गाँव की छवि खराब कर दी। हमारा जो आजकल इतनी अवेयरनेस जो सभी लोग पहुँचाते हैं कि देखिए जीने का अधिकार हर एक को है, प्रेम करना गुना नहीं है, हम कहें कि प्रेम करना गुना नहीं है, ठीक है, मैं ये नहीं कहती उन्होंने कोई अच्छा कार्य किया उस लड़के ने या उस महिला को अच्छा कार्य किया, अच्छा कार्य नहीं है, समाज की दृष्टि से देखें तो वो अच्छा कार्य नहीं है, लेकिन उसका सोल्यूशन है, कानून में समाधान है। वो उसका डिवोर्स करवाता महिला का, उसे शादी करना चाहता या जो भी करना चाहता था वो कर सकता, शादी कर सकता था वो, लेकिन उसने चलो कहीं ना कहीं कानून का उसने भी कहीं ना कहीं उल्लंघन किया है, लेकिन उस बात के लिए पंचायत कोई कदम नहीं उठा सकती। पुलिस को शिकायत करते, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते, न्याय की गुहार करते वो समझ में आता था, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से जो कानून को अपने हाथ लेकर ना सिर्फ उनके साथ मारपिटाई की, उनकी जो है बहुत ज़बरदस्त उनकी मानहानि की, काला मुंह करके जूतों का हार पहना के घुमाया, और जो महिला थी वो डर के मारे वो अपने जो है देश बिहार में झारखंड में चली गई है, तो उसको भी अभी बुलवाया जाएगा कि उससे बातचीत भी करनी पड़ेगी। एक इशू ये आ रहा था कि क्या उनको गांव का निकाला दिया गया था दोनों को? हाँ यही कहा गया था जो सुनने में आया कि निकल जाओ यहाँ से, नहीं रहना है, तो लेकिन पुलिस ने, मैं कहूँगी इस मामले में मतलब जैसे लोगों की रहती है राय की पुलिस काम नहीं करती है, लेकिन यहाँ मैं करनाल पुलिस की आज इस मामले में बहुत भरपूर तारीफ और बधाई के पात्र है यहाँ की पुलिस कि जिन्होंने फौरन एक्शन लिया। हालांकि महिला आयोग तब आता है जब कार्रवाई नहीं होती है नॉर्मली, और हम उसी भी आते हैं जब पुलिस काम नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने काम भी किया, लेकिन हमारे आयोग का भी एक फर्ज बनता है कि हम आकर देखिए पुलिस कार्रवाई करे किस तरह से कर रही है, क्या एक्यूज या कंप्लेनेंट जो भी हैं उनके क्या है, कंप्लेनेंट सेटिस्फाइड है कि नहीं है, या समाज के अंदर कोई कुरीति बनती है तो हमें भी देखना फर्ज बनता है, तो इसी दृष्टि से हमारे, लेकिन यहाँ पे देखा पुलिस का काम बिल्कुल पूर्ण किया, बहुत अच्छा है। और मैं गांव में गई, मैंने उनसे इधर उधर होकर भी पूछा कि भाई क्या पुलिस की तरफ से कोई सुरक्षा मुहैया करवाई गई है, तो दो PCR उनको दी हुई हैं और पूरी मुहैया वहाँ पर सिक्योरिटी के हिसाब से सब कुछ ठीक है, और मैंने उनको ये भी पूछा क्या पुलिस ने अपने फ़ोन नंबर दिए हैं, तो उन्होंने बताया हमें फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं जिससे कि अगर कोई कॉल आती है या कोई व्यक्ति कोई तंग करना चाहता है तो वो तंग ना कर पाए, पुलिस को बताएं। और हमने इस मामले में भी अवेयरनेस, मैंने खुद वहाँ पर लोगों को इस मामले में जागरूकता दी है कि अगर भाई इस तरह से प्रेम प्रसंग के चक्कर में पहली बात पढ़ो ही ना, और पढ़े भी गए तो फैमिली के अंदर बात करो, रिश्तेदारों में बात करो, नहीं कोई बात बनती है ज़्यादा कोई बात बनती फिर आप पुलिस में जाओ और कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन इस तरह की जो वारदातें हैं, इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि कई जगह हमने देखा है कि इस तरह के कपल्स को मार तक दिया जाता है, एक व्यक्ति अनमैरिड है और एक व्यक्ति मैरिड और बच्चे हैं, हम समाज दृष्टि देखे बच्चे रुल जाते हैं और वो इलीगल है, वो शादी में तो देखिए इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो घटना आई है मैं आपको बता ही रही हूँ कि बड़ी शर्मनाक है, यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा है और ये इन्होंने कल भी दो और आरोपी पकड़े, 7 आरोपी इन्होंने पकड़ लिया पुलिस ने, तो ये आगे क्या कार्रवाई करेंगे, पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे, हम इस पर निगाह बना कर रखेंगे पहली बात, और दूसरी बात हम अब आयोग की तरफ से इस तरह से पंचायतों में भी हम अवेयरनेस देने की कोशिश करेंगे, इस तरह की घटनाएं
इस तरह के जो हाल ही पंचायतें करती हैं, जो कानून को अपने हाथ में लेती वो ना ले। ऐसी जागरूकता हालांकि समय समय पर मिलती रहती है, लेकिन अब हम इस पर भी विशेष कार्य करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।